हाँ तो ये अभी हमने बात की थी लेथ मशीन के पार्ट्स और उनका फंक्शन, तो इस समय हम खड़े हैं ऑल गियर हेड लेथ मशीन। ऑल गियर हेड लेथ मशीन क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर जो हेड स्टॉक है इसमें जो ट्रांसमिशन का सिस्टम है वो विद द हेल्प ऑफ गियर है, इसलिए इसको ऑल गियर लेथ मशीन का नाम दिया गया। ये किर्लोस्कर जो इसका बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है किर्लोस्कर कंपनी है। तो ये जो मशीन है ये हैवी ड्यूटी लेथ मशीन के अंदर काउंट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो लगभग 10 फुट लंबी जॉब को ये ऑपरेशन कर सकती है। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं ये पार्ट, जैसे हमारे शरीर के ऊपर हमारा सबसे ऊपर हेड होता है, तो इसी प्रकार से ये मशीन का हेड है और इसको हमने यहाँ शो किया है। इसको आप भी डायग्राम बनाते जाएंगे, ये है हेड स्टॉक, दिस इज हेड स्टॉक कंप्लीट, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे हेड स्टॉक, और इस हेड स्टॉक में गियर की जो है वो अपना ट्रांसमिशन सिस्टम है, स्पीड का ट्रांसमिशन सिस्टम है, और आपका जो थ्रेडिंग कटिंग का है उसका लॉक टेबल है, और ये सब उसी के ही लीवर से, ठीक है। और ये जो है ये इसका ऑन ऑफ है, और ये कूलेंट है, कूलेंट अर्थात वाटर की जब हम जॉब को मशीनिंग करते हैं तो उसके लिए उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट की आवश्यकता रहती है। तो ये हेड स्टॉक के जो है कुछ पार्ट हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और इसमें ये जो लीवर है वो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जब हमें मोशन फीड देनी है उस पर्पस के लिए इसका प्रयोग करते हैं। या राइट हैंड या लेफ्ट हैंड थ्रेड कटिंग करना, तब भी इसकी रेगुलेशन को चेंज करने के लिए इन लीवर्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसके पश्चात हेड स्टॉक के साथ ही बिल्कुल ये जुड़ा हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं स्पिंडल। ये अंदर स्पिंडल जो है ये गियर के साथ अटैचमेंट है, और इसके स्पिंडल के बिल्कुल आगे जो है आप देख रहे हैं फोर जा चक 1 2 3 4, इसके फोर जा हैं इसलिए इसको फोर जा चक बोलते हैं। और इसमें जो है हम किसी भी प्रकार से राउंड शेप में हो, इरेगुलर हो, असेंट्रिक हो, कैसी भी जॉब है उसको हम इसमें क्लैंप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जैसे ये कैपेसिटी मान लो 12 इंच का यह डाया है, तो ये जो जार हैं इसको और ओपन खोला जा सकता है, कम से कम 3-3 इंच जो हैं ये बाहर आ जाएंगे। ये आपको हम दिखा दें, इसको अब हम ऐसा घुमाते हैं तो ये जार अभी तो यहाँ तक खुले हैं, तो इसको आप ऑपरेट करेंगे लगभग ये 3 इंच जो है थे, एक जॉब है जो इसका साइज मान लो 12 इंच था वो इसमें क्लैंप हो सकती थी, परंतु जैसे ही हम इसको और बाहर लेंगे तो इसमें कम से कम 15-16-17-18 इंच की जॉब जो है। इसी तरह इसके जो अपोजिट है ये इसका मान लो अपोजिट है, इस जा को भी हम इसी तरह ऑपरेट करेंगे। ये देखो तो ये चक का प्रयोग करना है कि हम इसमें
इतनी फीट लो पकड़ो। तो हम थे हेडस्टॉक के बाद अगला जो स्टेप था वो स्पिंडल्स और स्पिंडल के साथ अटैचमेंट थी किसकी चक कोर या चक और जिसके बारे में हम बता रहे थे कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये जो है इसका एक इनर सेटिंग होती है ये आउटर सेटिंग, ये आउटर सेटिंग है। इनर सेटिंग जो है इनको अगेन सीधा करके हम यूज करते हैं। तो ये स्थिति तब होती है जब हमें बड़ी जॉब इसके अंदर क्लैंप करनी है, जब बड़ी जॉब क्लैंप करनी है तो हमें इसको उल्टा करके अब जा इसके अंदर डाले हुए, और जब अपना छोटी जॉब है तो वो भी आपको समझा दूं इसको ऐसे थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि इसमें कोई चिप्स वगैरह हो तो वो साफ हो जाए। ये देखो ये तरीका, ये अब सीधा जा है और जो आपको पहले हमने दिखाया वो उल्टा जॉब था। सीधे जॉब से छोटी जॉब जो जितना इसका साइज है मैक्सिमम मान लो ये 12 इंच का है तो 12 इंच की जॉब इस 12 इंच से लगभग क्योंकि इसको इसके अंदर क्लैंप होने के लिए भी चाहिए तो 10 इंच 11 इंच तक की जॉब जो है यहाँ आ सकती है। परंतु जब जॉब बड़ी है हमारी 12 इंच से ज्यादा है 16 इंच है 18 इंच है तब हम ये प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, जॉ को उल्टा करेंगे और ये जो स्लॉट है इनमें जो जॉ है इसमें फंस जाती है। ऐसे एग्जांपल मैं आपको सर जॉब दिखाऊंगा, ये जॉब है ये स्मॉल जॉब के अंदर आएगी जो कि राइट जो जॉ है उनके अंदर क्लैंप हो जाएगी। अब बड़ी जॉब को भी हम देखते हैं, अब ये पीस देखो आप, ये अब बड़ी जॉब के लिए ही इसमें क्लैंप होगा, इसमें हमें इसको बाहर लेके आना पड़ेगा। ये देखो ये जो चक के जो जाज हैं इसको उल्टा करेंगे तो ही ये इसको क्लैंप करेगा। करें इसको क्लैंप, दिखा देते हैं आपको ज्यादा बड़ा है। ज्यादा बड़ा है ना, कोई नहीं ज्यादा नहीं, ये ऐसे बढ़ेगा ज्यादा बड़ा है। ये देखो ये सारे बदले जाएंगे है ना। हम क्लैंप करेंगे तो बेसिकली जॉब को सेंटर में करना ही लेथ मशीन का सबसे पहला स्टेप है। जॉब को बांधना आपको आना चाहिए, ऐसे ही हम इसके एंटी जो है उसको खोलेंगे। ये देख ये देखो करके इसमें हमने जो को बांध लिया। तो ये है चक का वर्क करने का तरीका, ठीक है। और ये इसका हैंडल है, चक हैंडल बोलते हैं।
और इसको यूज करते समय कई बार जो है स्टूडेंट एक चीज भूल जाते हैं कि बीच में ही हैंडल छोड़ देते हैं, ऐसे ही है जी की। और जैसे इसको मशीन को ऑन करेंगे तुरंत ये निकल करके चोट मार सकता है, तो कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे कि जैसे ही काम किया और इसको हटा करके दूर रख दिया, राइट। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके बिल्कुल ही साथ में इसको बोलते हैं बेड, दिस इज बेड। ये पूरा का पूरा जो है इसको बेड बोलते हैं, जिसके ऊपर की ये पूरा कैरेज जो है वर्क करता है, जिसमें टूल जो है आगे पीछे होता है क्रॉस स्लाइड में हैंड स्लाइड में, तो इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं बेड बोलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ये है आपका टूल पोस्ट, दिस इज टूल पोस्ट। इसके अंदर फोर वे जो है वो टूल फिट किए जा सकते हैं, 1, 2, 3 और 4, चार टूल एक टाइम में यूज कर सकते हैं। तो ये दिस इज अपना टूल पोस्ट। और इसी तरह इसमें एक और दो टूल वहां भी आप फिट कर सकते हैं, 4 और 2, 6, तो वो भी टूल पोस्ट है। और इसी प्रकार इसके बिल्कुल नीचे जो है ये दिस इज कंपाउंड स्लाइड, ये जो पोर्शन है जो क्रॉस स्लाइड को जोड़ रहा है तो इसको बोलते हैं कंपाउंड स्लाइड, दिस इज टूल पोस्ट, राइट। और दिस इज कंपाउंड स्लाइड। फिर इसके बाद ये आप देख रहे हैं पार्ट, दिस इज क्रॉस स्लाइड जो क्रॉस कर रही है बेड को, क्रॉसिंग कर रही है, तो इसका नाम रखा है क्रॉस स्लाइड। और इस सारे पोर्शन को जो है कैरेज बोलते हैं, दिस इज कैरेज, ये जितना भी। इसके बाद जो ये सामने वाला पोर्शन है, सामने वाला पोर्शन इसको एप्रन बोलते हैं, दिस इज एप्रन, एप्रन। और एप्रन में क्या है, ये हैंड स्लाइड है, दिस इज हैंड स्लाइड। और इसके अलावा ये हाफ नट लीवर, ये यहां लिखा है हाफ नट लीवर, जब भी आप थ्रेडिंग करते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, हाफ नट लीवर। और इसके अलावा ऑटोमेटिक फीड देना होता तब भी इसका प्रयोग करते हैं, एक थ्रेडिंग के लिए है और एक ऑटोमेटिक फीड के लिए। तो ये पोर्शन हो गया पूरा आपका। इसके बाद इधर आ जाए, इसी बेड के राइट साइड में टेल स्टॉक है, ये दिस इज टेल स्टॉक। ये देखो इसके अंदर जो है रिवॉल्विंग सेंटर फिट है, ये रिवॉल्विंग सेंटर, इसका पर्पस जो लॉन्ग जॉब होती है लगभग कोई 5 फुट 6 फुट 7 फुट 8 फुट 9 फुट, जैसे कि मैंने बताया था कि इस मशीन की कैपेसिटी 10 फुट तक की है, तो लॉन्ग जॉब को सपोर्ट देने के लिए ये रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग किया जाता है। और ये स्पिंडल जो है इसके अंदर, ये दोनों के अंदर इंटरनल, इसके आउटर के ऊपर टेपर होती है और इसके इंटरनल टेपर होती है, तो ये आउटर और इंटरनल ट्रेपर दोनों आपस में जैसे ये प्रेस करते हैं फिक्स हो जाती है, और इस की सहायता से जो है हम जॉब को इसमें फिक्स कर लेते हैं। ये जॉब को सपोर्ट भी करता है और साथ साथ जॉब को घुमाने में भी सहायता करता है। इसके अलावा यहाँ पर हम ड्रिल, जब किसी जॉब के अंदर ड्रिल कर रहा होता है तो वो भी हम आपको दिखा सकते हैं, इसको निकाल देंगे और ये ड्रिल इसके अंदर फिट कर देंगे, तो इसी को ऐसे ही प्रेस करेंगे तो ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया आपका टेल स्टॉक, टेल स्टॉक। इसके बाद ये है हमारा, इसको बोलते हैं स्टडी रेस्ट, दिस इज स्टडी रेस्ट, स्टडी रेस्ट। अर्थात ये जॉब को रेस्ट भी कराती है और उसको सपोर्ट भी करती है। जो बड़ी जॉब होती है हैवी ड्यूटी, तो उसको बीच में जो है ये तीनों जार जो है उस शाफ्ट को जो है सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं और एक्यूरेट घूमने के लिए उसको हेल्प करते हैं।
ये तीनों जो जा रहे हैं इनको सेटिंग करके जॉब के साथ सपोर्ट किया जाता है, और इस प्रकार से ये स्टडी जो है हमारे लंबी जॉब में हेल्प करती है। इसको बोलते हैं स्टडी रेस्ट। तो इसमें भी दो प्रकार की स्टडी होती है, एक इसको बोलते हैं फिक्स्ड स्टडी, एक जगह फिक्स है, ये जहां भी आप चाहोगे एक जगह फिक्स हो जाएगी। एक स्टडी होती है जो कैरिज के साथ जो है वो फिक्स हो जाती है, कैरिज के साथ रहती है, और जैसे जैसे ऑपरेशन होता है जॉब के ऊपर वैसे वैसे साथ साथ सपोर्ट भी करती है और वो उसको घूमने में भी हेल्प करती है। तो ये हो गया आपका स्टडी रेस्ट। हमने बनाया नहीं था क्या ये पड़ा? हाँ, ये दिस पोर्शन इज पेपर टर्निंग अटैचमेंट। ये पूरा जो आप देख रहे हैं एक स्पॉट जिसके अंदर एंगल के अंदर जो है ये एक अपना स्केल भी बना हुआ है, और इसमें लिखा है 0 to कितना है ये 30, 0 to 10, 0 to 10 प्लस माइनस में डिग्री जो है ये टेपर कटिंग करता है। तो इस प्रकार से ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट, इसके साथ ये भी एक्स्ट्रा अटैचमेंट दी गई है, और इसके अलावा ये दिस इज लीड स्क्रू, ये एकम थ्रेड है इसके ऊपर कटे हुए हैं जिसका कि एंगल 29 डिग्री रहता है। तो ये जो है थ्रेड करने के लिए जब हम थ्रेड करते हैं मशीन में तब इसका प्रयोग करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लीड स्क्रू। और इसके अलावा ये दिस रॉड वाइट, ये है फीड रॉड, दिस इज फीड रॉड, ये आपकी फीड रॉड आ गई, देख रहे हैं फीड रॉड आ गई। और इसके बाद जो है ये आपका कूलेंट पंप है, दिस इज कूलेंट पंप। जब मशीनिंग हो रही होती है तो जॉब और टूल की सुरक्षा के लिए टूल ठंडा रहे तब हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जो है वो आपके ये जो है लेग हैं दोनों तरफ, इस साइड लेग्स और इसी तरह ये इसकी लेग है जिसके ऊपर की ये टिकी हुई है मशीन, ठीक है। तो ये तो इसके आपको पता लग गया पार्ट, और इसके बारे में बता दें लेथ का जो इंडस्ट्री के अंदर रोल है बहुत ही अहम रोल है। इसको लेथ इज द मदर ऑफ इंडस्ट्री, इसको इंडस्ट्री की माता के रूप में कहा गया है, अर्थात मैक्सिमम ऑपरेशन जो है इसके द्वारा किए जाते हैं। तो अब इससे हम कौन से पार्ट से क्या क्या करते हैं वो आपको एक बार और कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट पंप जो है इसके अंदर सारा गियर अटैचमेंट है, स्पीड से रिलेटेड सारा फंक्शन इसमें रहता है। चक जो है वो जॉब को क्लैंप करता है, जॉब आपकी कोई भी साइज है उसको, फोर्जा चक जो है वो डिफरेंट जो है डिजाइनिंग में कॉनिकल आपका स्क्वायर हेक्सागनल कोई भी जॉब हो उसको वो क्लैंप करेगा। इसके अलावा चक में एक और चक होता है ट्रू जा चक, थ्री जा चक बोलते हैं उसको, उसके अंदर वही जॉब आएगी जो ऑलरेडी मशीनड होती है। तो इसमें फर्क है, फोर्जा चक में आप डिफरेंट जो है अपना जॉब को रफ जॉब को क्लैंप कर सकते हैं, और जो इसके अलावा जो फिनिश जॉब है उसके लिए आपको ट्रू जाती सकता रहती है, और डिपेंड करता है प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन आप अधिक करना चाहते हैं तो ट्रू जा से फटाफट आप जॉब को सेंटर में करेंगे और ऑपरेशन करेंगे और उस जॉब को तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो बेड की बात है ये कास्ट आयरन का बना होता है, और इसी के ऊपर जो है हमारा पूरा कैरिज जो है वो काम करता है, पूरा कैरिज जो है 10 फुट तक आगे पीछे होता है। तो ये इसका बेड। इसके बाद जो टूल पोस्ट है
तो टूल पोस्ट में जो है हम टूल को फिक्स करते हैं, और टूल को फिक्स करने के बाद ही हम जॉब के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। इसके बाद दूसरा जो इसके साथ है ये कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड का अलग फंक्शन है कि जब जॉब के ऊपर आप पेपर करना होता है, पेपर ऑपरेशन अभी आपने देखा था यहाँ पर पेपर थी और इधर स्पिंडल के इंटरनल पेपर थी, तो ये अगर ऑपरेशन करना है तो विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड स्लाइड। क्यों? इसके ऊपर डिग्री कटी होती है तो हमें साइज के अनुसार फार्मूला है, उसके अनुसार इस डिग्री को पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जैसे ही हम इसको सेट करेंगे 5 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री जितना कैलकुलेट आएगा वहां इसको फिट करेंगे और उसके बाद जैसे ऑपरेशन करेंगे तो हमारा टेपर ऑपरेशन हो जाएगा। और टेपर ऑपरेशन क्या होता है, एक ही एक्सिस में किसी भी साइज का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना उसको बोलते हैं टेपर ऑपरेशन। तो ये हो गया आपका कंपाउंड स्लाइड, ये कंपाउंड रेस्ट। इसके बाद क्रॉस स्लाइड, और क्रॉस स्लाइड जो है वो जॉब की जो फेसिंग करने का ऑपरेशन होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। जो जॉब है आपकी, एज एग्जांपल जॉब, तो इसको हम जब जॉब को सीधा करके इसको फिक्स करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि इसकी कटिंग में कुछ टेढ़ापन है, प्रॉपर नहीं है, फेसिंग करने की जरूरत है। तब हम इसको यहाँ फिक्स करेंगे चारों जॉब की सहायता से है? अच्छा अच्छा, तो इसके पश्चात जॉब को फेसिंग करने के लिए आप ये किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस लाइट का। उसके बाद हम नेक्स्ट जो आपका ये हैंड स्लाइड है, जो जॉब है इस इधर देखें, जॉब की जो टर्निंग करनी है, जॉब की जो टर्निंग करनी है उसके लिए हम हैंड स्लाइड का प्रयोग करेंगे। ये देखो बेड के ऊपर कैसे हैंड स्लाइड काम कर रही है, तो ये दिस एक्शन इज टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन के बाद जो है हमारा हाफ नट लीवर की बात की थी मैंने, तो ये जब हम थ्रेडिंग करते हैं और उसकी हम थ्रेडिंग सेट करके इसको आप टच कर देते हैं स्पिंडल के साथ, जो इस प्रकार से इसके अंदर क्लैंप हो जाता है और उसी अनुसार जो है उस पीस के ऊपर जो है रिंग्स रिंग्स एज ए पिच उसके ऊपर कटिंग होती है, तो वो धीरे धीरे जैसे हम डीप करते हैं तो उसमें थ्रेडिंग ऑपरेशन बन जाता है। और इसके बाद टेस्ट स्टॉक का मैंने बता ही दिया पहले ही, इसका पर्पज स्पोर्ट करना और ड्रिलिंग करना। स्टडी का भी बता दिया, लीड स्क्रू केवल मात्र थ्रेडिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप एक बार पूरा ये आपकी लेस मशीन है इसको एक बार देख लें, आर्केड हेड लेस मशीन। और ये इसका जो है सेफ्टी कवर है, अर्थात जब हम काम करते हैं तो कोई अगर बाय चांस कोई जॉब निकल जाए तो वो कम से कम नुकसान न करे, ये सेफ्टी कवर बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार इस मशीन के द्वारा जो है हम फेसिंग नोट करेंगे, फेसिंग टर्निंग और नर्लिंग, नर्लिंग थ्रेडिंग पेपर टर्निंग, पेपर टर्निंग स्टेप टर्निंग बोरिंग इंटरनल बोरिंग और उसके अलावा ग्रूविंग। तो कहने का भाव यह है कि इस मशीन से हम मैक्सिमम ऑपरेशन कर सकते हैं, ये इज द मदर ऑफ इंडस्ट्री। तो ये आज का हो चुका है, तो आज कुछ नेट भी हमें इतनी इजाजत नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसी हिसाब से हमने फिर इसको फिनिश करने की कोशिश की है। बाकी और भी इसकी कुछ डिटेल मैं आपको अलग से भेज दूंगा, तो आप इसको आज के प्रैक्टिकल को नोट करेंगे और इसी तरह इसका डायग्राम बनाएंगे, हर पार्ट को ऐसे शो करेंगे और उसके फंक्शन को बताएंगे।
आ जाओ आप, हाजरी भी लगा देते हैं।